जो मंटोका वाटरफॉल है ये कुदरती नहीं है। मैंने ड्रोन में चेक किया कि टॉप से एक पाइप के जरिए पानी आ रहा है, उस पानी को इस पहाड़ के ऊपर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से एक वाटरफॉल की शक्ल में आपको नजर आता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इंद्रियास विलियम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मंटोका वाटरफॉल के करीब। एक बहुत खूबसूरत होटल है जिसका नाम है होटल ग्रीनलैंड। रात को हम यहाँ पे स्टे किया है। बाशु वैली से सीधा हम यहाँ पे आए हैं, स्कदू सिटी में स्टे नहीं किया। इसके बाद हम जाएँगे मंटोका वाटरफॉल, उसके बाद खामोश वाटरफॉल। तो मेरे साथ रहिएगा, निकलते हैं सबसे पहले मंटोका वाटरफॉल के लिए, उसके बाद खामोश वाटरफॉल के लिए। ये रोड जा रहा है मंटोका वाटरफॉल के लिए। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से मंटोका वाटरफॉल। और ये ग्रीनलैंड होटल है, इसका एक बोर्ड ये लगा है और ये होटल है। और यहाँ पे जो कमरों का रेट है वो है 5,000 रुपया। ये कि रात को कोई और रूम अवेलेबल भी नहीं था, इसी होटल में हम ठहरे हैं। रात को हमने खाना शाना बनाया, साथ पानी बह रहा है, पानी का शोर सारी रात आता रहा और हम इसे इंजॉय करते रहे। ये है हसनी चौक, आपको नज़र आ रहा होगा। आप से जाएंगे तो ये जाएगा खामोश वाटरफॉल। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न करें, अगर आप कद्दू से आ रहे हैं तो राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न कर जाएं आप जाएंगे मंटोका वाटरफॉल। और ये रोड है जो कद्दू से आ रहा है, ये रोड कद्दू से आ रहा है। जैसे आप अपना राइट टर्न करेंगे मंटोका वाटरफॉल जाएंगे, और अगर आप सीधे जाएंगे तो आप जाएंगे खामोश वाटरफॉल। सो गाइस, अगर आपने अच्छा नाश्ता करना है, ये मेरे पीछे KMG होटल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप अच्छा नाश्ता कर सकती हैं। सो फाइनली गाइस, मंटोका जा रहे हैं। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट नज़र आया है, सोचा आपसे शेयर करूं। और हम भी यहाँ कुछ देर बैठें और चिल करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी बह रहा है और ये ब्रिज है जो हमें दूसरी तरफ लेके जाएगा। ये है जी लकड़ी का ब्रिज जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ये जो पानी है ये मंटोका वाटरफॉल से आ रहा है, ये डिवाइड हो गया है, कुछ इस तरफ है और कुछ दूसरी तरफ है। अमेजिंग। पॉइंट ऑन द वे मंटोका वाटरफॉल, यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के चिल किया। अभी निकलते हैं मंटोका वाटरफॉल के लिए, मेरे साथ रहिएगा। सो फाइनली गाइस, हम पहुँच गए हैं मंटोका वाटरफॉल। ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। पहले यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, मगर अब यहाँ पे 200 रुपया पर पर्सन एंट्री है। जो 5 साल के बच्चे हैं उनकी कोई एंट्री नहीं है, 5 साल से जो ऊपर होंगे उनकी एंट्री होगी। अमेजिंग। कितने की पड़ी टिकट है? पर हेड 8 बंदे 200 रुपये एंट्री है। और आज यहाँ ईद के दिन है इसलिए बहुत ज़्यादा रश है, खूब लोग इंजॉय कर रहे हैं। खासतौर पर लोरी और फैसलाबाद के लोग काफ़ी आए हैं। मैं साथ रहिएगा, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि रूम्स की क्या कीमत है और खाने पीने का क्या नज़ारा है।
ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ट्री हाउस जिसका रेंट है 25,000 पर डे। यहाँ से मंटोका वाटरफॉल का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप जहाँ स्टे करना चाहें तो 25,000 पर डे दे के रह सकते हैं। और ये यहाँ का कैफेटेरिया है, यहाँ आप चाय, कॉफ़ी, जूस, रोटी, पिज़्ज़ा, बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा। हाल आप यहाँ पे देख लें, बहुत ज़्यादा रश है, लोग ज़्यादा हैं और ये अपनी डिमांड को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। एक आर्डर तीन तीन दफा देना पड़ता है। अंदर तो बहुत ज़्यादा रश है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। और ये कैफेटेरिया का रूफ है, जहाँ से भी मंटोका वाटरफॉल का व्यू बड़ा अच्छा नज़र आता है। मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये रही मेरे पीछे मंटोका वाटरफॉल। अभी मैं कैफेटेरिया के रूफ टॉप पे हूँ और यहाँ पे टक शॉप भी है, देखते हैं चीज़ों का क्या रेट है। जी जैसे क्या लेना आपने बच्चे, लेस? तो गाइस हमने लिया है एक 80 वाला लेस, सुपर बिस्किट और एक कप केक। देखते हैं इनका रेट यहाँ पे कैसा है, वहाँ मार्केट में कैसा है। हाँ, सुपर जो है ना ये 50 का है। अच्छा, और ये सुपर 5 जो है ना 50 का। अच्छा, वो 90 का। अच्छा, बस 10 अभी फालतू ले रहे हैं आम रेट से। जो भी यहाँ पे चीज़ है वो आम प्राइस से 10 रुपये महंगी है। आप कोई भी चीज़ लें वो आपको 10 रुपये महंगी मिलेगी। बहुत ज़्यादा रश है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग आए हैं। मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं। जो मंटोका वाटरफॉल है ये कुदरती नहीं है। मैंने ड्रोन में चेक किया कि टॉप से एक पाइप के ज़रिए पानी आ रहा है, उस पानी को इस पहाड़ के ऊपर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से एक वाटरफॉल की शक्ल में आपको नज़र आता है। तो मेरे साथ रहिएगा, आगे चलते हैं खामोश वाटरफॉल के लिए।